नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। सो आज की जो अनबॉक्सिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही क्लासिक होने वाली, बिकॉज आज सबसे पहले हम क्विज खेलने वाले हैं। इस क्विज के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। शुरू करते हैं, तो बताइए दुनिया का सबसे लक्की नंबर कौन सा है। तो चलिए मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं दोस्तों, कुछ समझ में आया? मैं ही बता देता हूँ, 7। दुनिया का लक्की नंबर है 7। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले ओप्पो रेनो 7 प्रो की। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बस माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पहले माहौल चेंज कर देते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों हमारे यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 प्रो इंडियन यूनिट अनबॉक्सिंग के लिए आ चुका है, वो भी 12GB 256GB स्टार ट्रेल ब्लू कलर के साथ। तो दोस्तों हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे फ्रंट में हमें ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया है डिटेल में देख लेते हैं। ये बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स, और हम इसे ओपन करते हैं। वाओ, इसके अंदर एक पीपीयू केस भी मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। उसी के ठीक नीचे दोस्तों हमें हैंडसेट भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए हम हैंडसेट को बाद में देखेंगे, पहले एक्सेसरीज के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है 65 वाट का सुपर हुक चार्जर, नेक्स्ट Type-A to Type-C केबल। तो ओप्पो ने इस फोन में एक एयरफोन की कमी दी है। इन सबको साइड में रखते हैं और हैंडसेट की तरफ मिलता है। ये रैपर को रिमूव करते हैं और हैंडसेट को पूरा डिटेल में जान लेते हैं। वाओ, सो नाइस लुक एंड सो नाइस फिनिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही एक अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए मिल जाता है। तो फोन को बूट करते हुए हम लोग फोन के डिजाइन के बारे में पूरा डिटेल में जान लेंगे। तो इसका जो बैक साइड दिया हुआ है वो शूटिंग स्टार डिजाइन के साथ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जब यूज करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो दोस्तों उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको राइट हैंड साइड पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है, वो भी प्रीमियम डिजाइन के साथ। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन प्लीज मिल जाती है। दोस्तों उसी के साथ हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्रीमियम स्पीकर ग्रिल भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट उसी के ठीक बाजू में आपको यूजर फ्रेंडली टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक भी दिया हुआ है। नेक्स्ट उसी के ठीक बाजू में आपको सिम इंसर्ट ट्रे भी मिल जाता है। आप दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और वैसे भी इसको कोई जरूरत नहीं है। रीजन है आपको यहाँ पे 256GB इनबिल्ट स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए उसके साथ बढ़ते हैं ऊपर की साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी माइक भी देखने के लिए मिल जाता है। इसी साथ दोस्तों और एक खास चीज जो ओप्पो ने यहाँ पे दी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस फोन की जो आप फ्रेम देख सकते हैं, ये सिर्फ फ्रेम ही एक मेटालिक फ्रेम है, और आप जो डिजाइन देख सकते हैं ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक एंटीना है। दोस्तों ये फोन जो है आपको नेटवर्क के बारे में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे कैमरे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रियर की साइड ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है। जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल, वो भी सोनी IMX766 सेंसर के साथ, जिससे आपको अपर्चर मिलने वाला है F1.8। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कैमरा जो आपको देखने के लिए मिल जाता है वो है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, जिसका आपको अपर्चर है F2.2। तीसरा कैमरा जो मिलने वाला है वो भी 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक उसी के ऊपर आपको कलर टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाता है। उसका जो बेनिफिट है, आप जब फोटो कैप्चर करेंगे इंडोर और आउटडोर आर्टिफिशियली कलर एडजस्ट कर देगा। तो ठीक उसी के नीचे आपको एक फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए उसी के साथ बढ़ते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले कैमरा भी मिल जाता है, सोनी IMX709 सेंसर के साथ दिया हुआ है। दोस्तों उसी के साथ हमें 6.55 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले भी यहाँ पे मिल जाता है, वो भी 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी हुआ है 91.8% का। तो उसी की वजह से आप इसमें कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अलग देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो उसी के साथ हम बात करेंगे इसके ऑल ओवर परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो प्रोसेसर दिया हुआ है Dimensity 1200 मैक्स प्रोसेसर दिया है, जो कि आपको Dimensity 1200 प्रोसेसर है उससे 30 गुना फास्टर प्रोसेसर है। सो ये जो फोन आपको रहने वाला है, आप अगर कोई हैवी गेम भी इसमें रन करते हैं तो आप इजीली रन कर पाएंगे।
उसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 12GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज भी मिल जाता है। और सबसे खास बात जो है आप अप टू 7GB रैम इसमें एक्सपांड कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कलर वाइज वर्जन 12 मिल जाता है, वो भी बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11। तो चलिए बढ़ते इसके बैटरी की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4500mAh बैटरी के साथ यहाँ पे आपको सुपर वूप चार्जर भी मिल जाता है, वो भी 65 वाट का। तो फोन 0 to 100% सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट में करने वाला है। तो उसी के साथ ओप्पो ने यहाँ पे आपको 5 मिनट चार्ज और 4 hours तक वीडियो प्लेबैक भी दिया हुआ। तो दोस्तों चलिए बात करेंगे हम ये फोन क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों जो फर्स्ट थिंग है वो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्लैगशिप पोर्ट्रेट कैमरा सिस्टम, वो भी 25 लेवल्स एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे आपको दोस्तों सेल्फी कैमरे के लिए 32 मेगापिक्सल के साथ सोनी IMX709 सेंसर भी यूज किया हुआ है। उसी के साथ अगर हम रियर कैमरे की बात करेंगे यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल के साथ सोनी IMX766 सेंसर भी यूज किया हुआ है। तो थर्ड थिंग है यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये जो फोन है अल्ट्रा शूटिंग स्टार डिजाइन के साथ देखने के लिए मिल जाता है, तो वो एक यूनिक बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके जैसे आप फोन यूज करते हैं आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं आने वाले। फोर्थ थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोन होने वाला है आपको इस प्राइस सेगमेंट का पहला फोन है, आपको यहाँ पे 12GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे खास बेनिफिट है आप अप टू 7GB तक इसका रैम एक्सपांड कर सकते हो। तो दोस्तों फिफ्थ थिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं आपको 4500mAh बैटरी के साथ 65 वाट का सुपर वूप चार्जर भी दिया हुआ है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज करने वाला है। थिंग जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो मिल जाता है Dimensity 1200 मैक्स प्रोसेसर, जिसकी मदद से आप हेवी से हेवी गेम इजीली रन कर सकते हो। तो उसी के साथ हमने कैमरे के कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों ओप्पो ने इस फोन को बहुत ही अच्छे अपग्रेड के साथ लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन बहुत ही बेहतरीन फोन रहने वाला है, बिकॉज इसमें इस फोन में अगर आप देखने जाएंगे ना ही इस फोन जैसा आपको कैमरा देखने वाला है, नेक्स्ट आपको ना ही ऐसे डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी और ना ही ऐसा आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा ओप्पो रेनो 7 प्रो इज अ बेटर फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे जो नया अनबॉक्सिंग है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये फोन परचेस करना तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे आपको डील्स मिल सकते। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, हमारी अनबॉक्सिंग आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।